यदि आपको ट्रैकिंग और रोमांच पसंद है तो आपके लिए उत्तराखंड की रूपकुंड झील पहली पसंद होनी चाहिए। जब सर्दियों के मौसम के बाद यहाँ धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है तब यहाँ नर कंकाल दिखाई पड़ते हैं और इस झील को कंकालों की झील भी कहा जाता है। चारों ओर से हिमालय की बर्फीली वादियों से घिरी यह झील ट्रैकिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है और हर साल गर्मियों में हजारों पर्यटक यहाँ ट्रैकिंग के लिए आते हैं। तो वहीं बात करें कि रूपकुंड झील तक कैसे पहुँचा जाए। रूपकुंड झील तक पहुँचने के लिए आपको पहले लोहागंज पहुँचना होगा। कर्णप्रयाग से लोहागंज लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन या हरिद्वार से लोहागंज पहुंचने के लिए आप प्राइवेट कार कर सकते हैं। कर्णप्रयाग से लोहागंज पहुंचने के लिए लगभग 5 घंटे का समय लगता है। तो वहीं बात करें रूपकुंड ट्रैकिंग कब करनी चाहिए और कौन से मौसम में करनी चाहिए। हिमालयी बर्फीली क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में ट्रैकिंग न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अचानक हिमालय का मौसम करवट बदल देता है और बर्फीले तूफान और ओले गिरने का डर हमेशा ही रहता है और ना ही वहाँ पे कोई सिर छिपाने की जगह भी मिलती है, जिससे जान हानि का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा हिमालयी बर्फीली क्षेत्र में गर्मियों के मौसम को ही चुनें। जुलाई से नवंबर के बीच मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना रहता है और ठंडी ठंडी हवाओं के बीच ट्रैकिंग करने से आपको और भी ज़्यादा आनंद आएगा। हिमालय में चारों ओर से गिरी यह रूपकुंड की झील, आसपास का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। हर साल पतझड़ के मौसम में यहाँ पे एक धार्मिक त्यौहार भी मनाया जाता है और इस त्यौहार में शामिल होने के लिए आसपास के गांव के लोग आते हैं। नंदा देवी राजजात का खास उत्सव हर 12 साल में एक बार यहाँ मनाया जाता है। रूपकुंड की यात्रा एक बहुत ही सुखद अनुभव का एहसास कराती है और पूरे रास्ते चारों ओर पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई देती हैं। रूपकुंड अपने आप में बहुत से रहस्यों को समेटे हुए है। आइए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में और इन नर कंकालों के पीछे की कहानी। इसके पीछे कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन एक दंतकथा के अनुसार यह सदियों पुरानी राजा और रानी की कहानी है। इस झील के निकट ही माँ नंदा देवी का एक ऐतिहासिक मंदिर है, जिन्हें पहाड़ों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ नंदा देवी के दर्शन के लिए उन राजा और रानी ने पहाड़ चढ़ने का अपना मन बना लिया, लेकिन राजा और रानी ने अकेले ही उस पहाड़ की चढ़ाई नहीं की, वे अपने साथ साथ लाव लश्कर ले गए। उन्होंने रास्ते में जाते समय खूब आनंद लिए, ढोल डमरू के साथ वे मस्ती और रंगारंग कार्यक्रम के साथ सफर तय किया और ये सब देख के माँ नंदा देवी क्रोधित हो गई और माता का क्रोध उन पर बिजली के समान गिरा और वे सभी मौत के मुँह में समा गए। वहाँ के आसपास के लोगों का यह भी मानना है कि ये किसी महामारी के शिकार लोग थे और कुछ लोगों का मानना तो यह भी है कि जिन लोगों के नरकंकाल यहाँ मिले हैं ये लोग आर्मी के लोग थे और अपना रास्ता भटक गए थे और यहाँ पे बर्फबारी में दफन हो गए। जिनके आज नरकंकाल मिल रहे हैं, इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का मानना था कि ये अस्थियाँ कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों की है, जो सन 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे। सन 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को यह कंकाल दिखाई दिए थे। उस समय यह माना गया था कि जापानी सैनिकों के कंकाल हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध में वहाँ के रास्ते जा रहे थे और वहीं फंस कर रह गए। आइए अब जानते हैं रूपकुंड की झील कैसे कंकालों वाले झील में तब्दील हुई। जब पहले इस बात पर चर्चा हुआ करती थी तो उस समय लोगों का मानना था कि इन कंकालों में एक समूह एक परिवार का था, दूसरे कद में मझोले लोगों का। लेकिन इस पे कुछ समय पहले फिर से रिसर्च की गई और अब यह पता चला है कि भारत, ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के कंकाल इनमें शामिल हैं। इस बात का आखिर पता कैसे चला होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन नर कंकालों के ऊपर एक स्टडी की गई। स्टडी की रिपोर्ट अब छपी है और इस रिपोर्ट में यह पता चला है कि आखिर इन नर कंकालों का इतिहास क्या रहा होगा। नेचर कम्युनिकेशंस पोर्टल पर यह स्टडी छपी है।
और इस स्टडी की रिपोर्ट तैयार करने में लगे हुए भारत के वैज्ञानिक भी शामिल थे। इस स्टडी के अनुसार नंबर फर्स्ट पे करीबन 70 से 71 नर कंकालों के टेस्ट हुए। इनमें से कुछ नर कंकालों की कार्बन डेटिंग भी हुई। कार्बन डेटिंग एक टेस्ट है जिससे पता चलता है कि कोई भी अवशेष कितना पुराना है, और इनमें से कुछ नर कंकालों का डीएनए भी जांचा गया। वहीं दूसरे नंबर पर आता है इन नर कंकालों की अभी भी पूरी तरह से जांच नहीं हुई है, क्योंकि यह झील हिमालय में ऐसी जगह स्थित है जहां आए दिन लैंडस्लाइड होते रहते हैं। और दूसरा यह कि यहां पे जितने भी नर कंकाल हैं उनमें से जो लोग यहां पर्यटक के रूप में आते हैं वे लोग अपने साथ कुछ नर कंकाल को साथ ले जाते हैं। वैज्ञानिकों की जांच में यह भी पता चला है कि ये सभी नर कंकाल एक ही समय के नहीं हैं, बल्कि अलग अलग टाइम और पीरियड के हैं। इन नर कंकालों की नस्लें भी अलग अलग हैं। इनमें से कुछ नर कंकाल महिलाओं के हैं और यही कुछ नर कंकाल पुरुषों के हैं। यहाँ पे जितने भी नर कंकाल मिले हैं उन पर की गई स्टडी और रिसर्च से इनमें से अधिकतर शारीरिक रूप से स्वस्थ ही रहे होंगे। इसके साथ साथ यह भी जांचा गया कि इन नर कंकालों का आपस में कोई संबंध तो नहीं था, क्योंकि जब पहले इस बात पर चर्चा हुआ करती थी तो उस समय वैज्ञानिक का मानना था कि इन नर कंकालों में एक समूह एक परिवार का था। लेकिन स्टडी और रिसर्च से यह बात साफ हो गई कि इन नर कंकालों का आपस में कोई पारिवारिक संबंध नहीं रहा होगा। हालांकि इसका मतलब यह हो सकता है कि इतने समय बाद भी अगर इन नर कंकालों में से किसी बीमारी या बैक्टीरिया के अवशेष नहीं मिले तो यह भी हो सकता है कि इनकी मौजूदगी बहुत ही कम मात्रा में रही होगी और अब वहाँ के बर्फीले और ठंडे मौसम के कारण अब ट्रेस नहीं हो रहे। इन नर कंकालों में अधिकतर भारत और उसके आसपास के देशों के नर कंकाल हैं। ये सभी कंकाल एक समय वहाँ इकट्ठा नहीं हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ मिले नर कंकाल दो अलग अलग हादसों में मरने वाले लोग थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही रहस्यमय झीलों के बारे में आने वाले समय में आपको पता चलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।